मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सीहोर जिले की इछावर विधानसभा क्षेत्र के दीवड़िया में जनसभा को संबोधित किया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के द्वारा पिछली बार 900 वादे किए गए थे, जिसमें से 9 भी पूरे नहीं किए। अब एक बार फिर से कांग्रेस ने झूठा वचन पत्र जारी कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह लोग भ्रम फैलाने वाले लोग हैं, यह जनता का भला नहीं कर सकते हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बीजेपी जनता का भला करती है और यह योजनाओं पर ताला लगा देते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी रिकॉर्ड मदों से जीत रही है और कांग्रेस चुनाव बुरी तरह से हार रही है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बीजेपी की समस्त योजनाओं के बारे में बताया। जनसभा के दौरान बड़ी संख्या में दीवड़िया सहित आसपास की जनता जनार्दन सम्मिलित रही। आदर्श न्यूज के लिए इछावर से पत्रकार जलील खान की रिपोर्ट। मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज हमारे नवरात्रि के दिन भी दीवड़िया में शाम को आया, जब लोग पूजा पाठ में लगे रहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में मेरी बहनें, मेरे भाई, बेटे, बेटी आज इस सभा में मुझे सुनने आए। जनता का ये विश्वास ही हमारी असली ताकत है। जान भले ही चली जाए, लेकिन इस विश्वास को मैं कभी टूटने नहीं दूंगा। हम सरकार नहीं, हम परिवार चलाते हैं और परिवार की तरह जनता की जितनी समस्याएं हैं उनका समाधान करते हैं। लेकिन कांग्रेस ने मेरे सारी योजनाएं बंद कर दी थी, अभी एक झूठ महा झूठ पत्र लेके आए। पिछली बार 900 वादे किए थे, 9 भी पूरे नहीं किए, अब फिर एक और महा झूठ पत्र आ गया उनका। ये भ्रम फैलाने वाले लोग जो ने सब योजनाएं मेरी बंद कर दी थी, ये जनता का भला नहीं कर सकते। जनता का भला करेगी तो कांग्रेस नहीं कर सकती, भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। लोग कांग्रेस की असलियत समझ गए हैं। ये योजनाओं पर ताला लगाने वाले, ये प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को लागू नहीं करने वाले लोग इस चुनाव में बुरी तरह से पराजित होंगे और भारतीय जनता